वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं आर्यव्रत और स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। टेलीकॉम मार्केट भारत में एक विकसित क्षेत्र का रूप ले चुका है। पहले इसका इस्तेमाल सिर्फ संचार और कभी कभी आर्थिक क्षेत्रों में हो जाता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल काफी व्यापक स्तर पर गवर्नेंस, नीति निर्धारण, शिक्षा, कृषि, मौसम और कई सारी अन्य जगहों पर किया जा रहा है। अब इसमें एक समस्या जो कि काफी हद तक अब हमारे सामने विकराल रूप में आके खड़ी हो चुकी है, वह है साइबर सिक्योरिटी। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्विटर हैंडल हैक हो गया। इसके पहले एक बार राहुल गांधी जी का भी ट्विटर हैंडल हैक हो चुका है। कई सारे रेप्यूटेड जर्नलिस्ट्स के डेटा की सिक्योरिटी के भी मामले सामने आए हैं। पेगासस और स्पाइवेयर, मालवेयर जैसे इश्यूज भी कई बार एक्सपर्ट्स ने साइट किए हैं। तो ऐसी हालत में अब ये बड़ा प्रश्न हो जाता है कि जब इतना ज्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज और डेटा इस तरह से टेलीकॉम प्लेटफॉर्म्स पे तैर रहा है, तो इसकी सिक्योरिटी कैसे इंश्योर हो। इसको लेके केंद्र सरकार ने एक सेंट्रल साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला लिया है। अभी हाल में ये जो पूरी सुरक्षा है वह CERTIN यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है वो हैंडल करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में आता है एक विभाग के तौर पे। लेकिन अब इसे एक व्यापक स्तर पे देखते हुए एक टास्क फोर्स गठन करने की बात की जा रही है। ये बात भी ध्यान देने लायक है कि भारत 5G टेक्नोलॉजी में दुनिया के बढ़ते कदमों के साथ अपने भी कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है, कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा है, और हम लोग ग्लोबल स्तर पे जो 5G टेक्नोलॉजी है, जो 5G गियर्स है, उसे प्रोक्योर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो हमारे प्रेजेंट सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो कि हमारे सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल हैं, उन्हें उन इक्विपमेंट्स के हिसाब से अपडेटेड होना होगा, ताकि जो हमारी सिक्योरिटी है, डेटा सिक्योरिटी, वो पूरी तरह से सुनिश्चित की जा सके। इस मामले की और इस बात की तस्दीक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कई जगहों पर, कई सारे वैश्विक मंचों पर कर चुके हैं। उनका ये मानना है कि जो डेटा प्रोटेक्शन है वह एक बड़ा इशू है। आतंकवाद, सामरिक सुरक्षा और जो वर्ल्ड पीस और इकोनॉमी है उससे जुड़ा हुआ ये मसला है, तो लोकतांत्रिक देशों को इस मामले में सामने आना चाहिए। हालांकि अगर हम लोग पर्सनल स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर डेटा प्रोटेक्शन की बात करें, तो अमित रेलिन जो कि वर्ल्ड लेवल पे जो फ्रॉड एंड डिटेक्शन कंपनी है उसके अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि जब थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड एप्स बनते हैं, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड लिंक्स बनते हैं जो कि अपने पूरे स्ट्रक्चर में नहीं होते, तो कई बार उन्हें छोटा करने के लिए, उन्हें कॉम्पैक्ट करने के लिए जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। और ये एप्स जो है वो एक अच्छा गेटवे होते हैं जिससे कोई स्पाइवेयर आपके फोन में या आपके पर्सनल डेटा में एंट्री ले सके, एक्सेस कर सके। तो इस तरह अगर आपको अपनी पर्सनल स्तर पे आपको डेटा प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज्ड एप्स का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, और कोई भी अनवेरिफाइड लिंक अपने मोबाइल में बिना वेरीफाई किए नहीं खोलना चाहिए। अगर आपको पर्सनल लेवल पे जो डेटा सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना है, तो आपको जो लेटेस्ट सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उससे भी अपने आप को अपडेट रखना होगा। इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।